सिवनी कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों के पास से 1,40,00,000 का सोना चांदी और नकदी जब्त की है। पकड़े गए संदिग्ध पंजाब और इंदौर के बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की कोतवाली थाना पुलिस को इंदौर और पंजाब के 5 युवकों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस को इनके पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवर और नकदी मिला है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। बीती रात कुछ संदिग्ध व्यक्ति वीनस लॉज शुक्रवारी में रुके थे, जिनके पास भारी मात्रा में सोना एवं चांदी था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के निर्देशन में तत्काल कार्रवाई की गई और सामान जब्त कर लिया गया। बताया जा रहा है पकड़े गए आरोपी पंजाब और इंदौर के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास बरामद सोने चांदी के कोई कागजात नहीं मिले हैं। उधर होटल संचालक से भी पुलिस ने दस्तावेज नहीं दिखाए जाने पर 540 ग्राम सोने के जेवर जब्त कर लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण को आयकर विभाग को भेज दिया है। ये आज रात्रि में पुलिस को सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि विनश लॉज में कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में रुके हुए हैं। इसकी तस्दीक हेतु थाना कोतवाली की टीम को ने वहां पर दबिश दी। दबिश देने पर वहां पर 5 लोग मिले, जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम अवतार नमित मनमीत मंत्री ललित और मनोज गुजर बतलाया, जिसमें से कुछ तरन तारण पंजाब के निवासी है और शेष लोग इंदौर के निवासी थे। जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने पास जो सामान था, कुछ कैश था, कैश और ज्वेलरी वो बतलाई। और जब उनसे दस्तावेज मांगे गए तो दस्तावेज देने से चूँकि उनके पास उपलब्ध नहीं थे तो उपलब्ध नहीं करा सके वो। तो संदिग्ध अवस्था पे जब सामग्री मिली तो उसको 102 में जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।